प्लांट का पूरा लाइफ साइकिल बताया था और जो जो चीजें हमें प्लांट से मिलती हैं हमने वो भी डिस्कस किया था। एंड टुडे वी विल डू एक्टिविटी रिलेटेड टू दिस टॉपिक ऑन पेज नंबर 92 इन योर ईवीएस मैजिक बुक। नाउ ओपन पेज नंबर 92, लेट्स बिगिन। व्हाट्स ऑन दिस पेज डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू एक्टिविटी ऑन पेज नंबर 92। व्हाट वी विल डू ऑन दिस पेज, नंबर द पिक्चर्स अकॉर्डिंग टू द करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पर पिक्चर्स दे रखी हैं, 4 पिक्चर्स हैं, आपने उनको करेक्ट ऑर्डर देना। इनका देखिए ऑर्डर सही नहीं है, आपने इनको करेक्ट ऑर्डर देना है कि कौन से नंबर पे कौन सी पिक्चर आएगी। आपको ध्यान होगा कल वीडियो में मैम ने आपको लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट के बारे में बताया था, पूरा मैम ने आपको साइकिल बताया था कि किस तरह से क्या प्रोसेस होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, याद होगा आपको, वी सो अ सीड, फॉर दैट वी नीड टू डिग अ सॉइल, पुट अ सीड इनटू इट, देन कवर इट। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें मिट्टी खोद कर उसमें बीज को बोना होता है और फिर उसे उस मिट्टी से कवर कर देना होता है। तो ये प्रोसेस सबसे पहले होती है लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट में। तो देखिए जो सीड की पिक्चर है वो कहाँ पर है, ये देखिए किसकी पिक्चर है। फर्स्ट पिक्चर में क्या है, बेबी प्लांट है ना, लेकिन सेकंड पिक्चर देखिए किसकी है, सीड की है। कल मैम ने आपको दिखाया भी था, आपको याद होगा। तो हम फर्स्ट नंबर, जो फर्स्ट ऑर्डर है वो कौन सी पिक्चर पे आएगा, फर्स्ट नंबर इन दिस पिक्चर, पिक्चर ऑफ सीड। सो वी विल पुट नंबर 1 हेयर लाइक दिस। फिर उसके बाद मैम ने आपको बताया था क्या प्रोसेस होती है, जो सीड होता है वो किस में ग्रो कर जाता है, ग्रो करके वो क्या बन जाता है, इनटू अ बेबी प्लांट, बेबी प्लांट बन जाता है ना। इसकी पिक्चर भी मैम ने आपको दिखाई थी, रिकॉग्नाइज की थी आपने। और इसे, इस बेबी प्लांट को ग्रो करने के लिए किसकी जरूरत होती है, सनलाइट की, वाटर की। और मैम ने आपको ये भी बताया था कि हमें रेगुलरली प्लांट्स को वाटर देना चाहिए। आपके घर पे भी जो प्लांट्स हैं आपने उनकी केयर करनी है, उनको वाटर देना है। तो देखना, आप खुद देखेंगे कि वो कैसे ग्रो करते हैं, जैसे आप लोग ग्रो करते हो ना खाने पीने से, तो इसी तरह से प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। आपने उनका ध्यान रखना है और अपना ध्यान भी रखना है खाने पीने का, तभी हम ग्रो कर पाएंगे। तो सेकंड प्रोसेस क्या होती है, देखिए सीड किस में कन्वर्ट हो गया, बेबी प्लांट में। सो वी विल राइट नंबर 2 हियर इन दिस सर्कल, इन दिस सर्कल वी विल राइट नंबर 2 लाइक दिस। एंड आफ्टर दिस नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है, बेबी प्लांट विल ग्रो इनटू स्मॉल प्लांट। उसके बाद बेबी प्लांट है जो किस में ग्रो करता है, स्मॉल प्लांट में, छोटा सा प्लांट बन जाता है ना। फिर उस पर क्या आ जाते हैं, मैम ने आपको बताया था, देखिए फ्लावर्स आ जाते हैं ना, लीव्स आ जाती हैं। तो फ्लावर्स क्या हो जाते हैं, ये देखिए इस तरह से वो स्मॉल प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। सो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, स्मॉल प्लांट। सो वी विल पुट नंबर 3 हेयर। लास्ट प्रोसेस क्या होती है, देखिए स्मॉल प्लांट नीड्स टू बिकम वेरी बिग ना, देन इट्स बिकम अ वेरी बिग ट्री। फिर वो क्या हो जाता है, एक बिग ट्री बन जाता है। और बिग ट्री पे देखिए क्या आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं ना, वी गेट फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री। देखिए किस तरह के फ्रूट्स होते हैं, देखिए किसका ट्री, एप्पल का ट्री है ना, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। सो लास्ट प्रोसेस क्या होती है, स्मॉल प्लांट किस में ग्रो कर जाता है, ट्री में। सो वी विल राइट नंबर 4 हेयर। तो देखिए इस तरह से हमने इन पिक्चर्स को करेक्ट ऑर्डर दिया, 1, 2, 3, 4। आपने भी इस पेज पे इस एक्टिविटी को इसी तरह से कंप्लीट करना है, इसी तरह से नंबर्स को राइट डाउन करना है। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।